हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नर्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, बात करते हैं ईयर इंजरीज। ईयर इंजरीज का कॉजेज एंड उसकी जो मैनेजमेंट है। दोस्तों, ईयर इंजरीज एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक कॉमन प्रॉब्लम है। आइदर बहुत बार क्या होता है, जाने अनजाने में जो हमारा ईयर है, जो बाहर से इंजरी होता है, कई बार क्या अंदर से भी इंजरी होते हैं। बात करते हैं बाहर से जो हमारी इंजरी होती है। बहुत बार जो हमारा बाहर का जो पिन्ना है, पिन्ना पे क्या होता है कि चोट के कारण, ट्रॉमा के कारण बहुत बार क्या है एब्रेजन होता है, बहुत बार क्या है टीयर होता है। दोस्तों, बहुत बार जाने अनजाने में ट्रॉमा के कारण एक ईयर का जो पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, एज सून एज पॉसिबल हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड बेस्ट जहां फैसिलिटी हो वहां जाना चाहिए, क्योंकि उसको जो रिपेयर करते हैं वो बिल्कुल जो है माइनर सूचर से अगर वो रिपेयर होता है तो दोस्तों बाहर स्कार या जो है वो बाद में क्या है विजिबल नहीं होता, जो आपका निशान होता है। एंड सपोज करो आपका ईयर का पार्ट टोटली सेपरेट हो गया, तो दोस्तों हम उसको जो है उस पार्ट को जो है वो आइस के अंदर जो है वो आप लेके आते हैं, तो उसको क्या है डायरेक्ट हम नहीं लेके आए, रेदर देन उसके अंदर जो है आपको जो है एक पॉलिथिन में उस पार्ट को डाल के हैंड में लेके आना चाहिए आइस के बीच में, जिससे अगर वो सर्वाइवल उसकी पॉसिबिलिटी है तो हम उसको लगा सके। दूसरा जो दोस्तों है, बहुत बार जाने अनजाने में जो कान के जो ट्रॉमा होता है उसके साथ हमारा जो ईयर ड्रम है दोस्तों, उसमें भी ट्रॉमा हो जाता है, उसमें होल हो जाता है, क्योंकि ईयर ड्रम की हमारी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सो उस कंडीशन में भी दोस्तों हमें कभी भी क्या है बिना जाने अनजाने कान में ड्रॉप नहीं डालनी चाहिए। वो जो डॉक्टर उसको देखता है एक एंडोस्कोपी ऑटो एंडोस्कोपी के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पे इसमें होल है। एंड अगर ये एक जो है बहुत ही स्मॉल होल है तो दोस्तों वो कंजर्वेटिव ठीक हो जाता है, उसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बट वहां पे एक पेपर पैचिंग एक जेली जो उस पे लगा दिया जाता है तो उसको अलोंग वो भर जाता है। एंड आपको जो है कान के अंदर पानी नहीं जाने देना चाहिए, उसको जब भी नहाए कॉटन को नारियल या सरसों को तेल में डिप करके स्क्वीज करके डांट लगानी चाहिए। सो ये वो चीजें हैं दोस्तों जो अगर आपको ईयर में ट्रॉमा है तो आपको मैनेज करना चाहिए। एंड कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम जैसे हम ड्राइविंग करते हैं या प्लेइंग के टाइम पे, तो हमें हेलमेट यूज करना चाहिए। जाने अनजाने में कभी भी स्लैपिंग ईयर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सडन जो है लाउड साउंड्स के सामने हमें नहीं जाना चाहिए। एंड अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगता है ट्रॉमा के बाद में या किसी के कारण भी आपको रियलाइज होता है, बहुत बार जाने अनजाने में फाइटिंग हो जाती है, ईयर पे लग जाती है और हमें फील हो रहा है कि ईयर से एयर लीक कर रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेके हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। हो सकता है कोई छोटा मोटा कान के अंदर पर्दे में छेद हो गया हो। सो अगर हमें टाइम पे डायग्नोसिस हो जाता है तो करीब करीब 70-80% पेशेंट के अंदर वो कंजर्वेटिव ठीक हो जाता है, उसमें करने की जरूरत कुछ भी करने की नहीं है। एंड जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो दोस्तों हमें यूज में लेने चाहिए। सो देखा दोस्तों आपने कितनी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। सो डेफिनेटली यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड फैमिली एंड कलीग्स, जिससे ईयर इंजरी से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प मिल सके। एंड आपका कोई और भी सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है, यू जस्ट पुट माई कमेंट बुक, डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।